रानी तारा तुम, तुम्हारा लड़का मर गया इसका मतलब तुम दूसरे के बच्चों को भी मारने लगी, इतनी तुम पागल हो गए? नहीं महाराज, मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा, तुम्हारे मुंह में खून लगा ये सबूत है। अब हम तुम्हारी जिंदगी को मौत में बदल लेंगे क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है। रानी बोली तो मार दीजिए महाराज, पति के हाथों से मेरी मौत अगर हो जाएगी तो मेरा तो परलोक सुधर जाएगा, ऐसे मत मारो। तो नित करो नीच घर तेल महा दुख पायो हुई गई भुजा बल ही नरे अन्न नहीं राजा मुझे मार दीजिए, ऐसे नहीं काफी दिन से तुमने भोजन नहीं खाया है, पहले मुझे बांध लो, मुझे मार दो। दोनों हाथों को बांधा, तलवार मारनी चाहिए, सुरंग से विमान आ गया। महाराज विश्वामित्र जी ने तलवार को पकड़ लिया। रुक जाओ महाराज हरिश्चंद्र, धन्य है तुम्हारे जैसे दानवीर राजा को, हकीकत में तुम्हारे जैसा राजा कोई सारी पृथ्वी पर नहीं है। हम तुमसे बड़ी खुश हैं, हमसे तुम वरदान मांग लो। बोले हम क्या वरदान मांगे महाराज, मांगे तो मेरी रानी मांग ली। बेटी तारा मांगो बेटिया। क्या मांगे बाबा जी, एक ही बेटा था वो भी आपने मुझसे छीन लिया। नहीं नहीं, धर्म पर चलने वाले कभी मरते नहीं। लाली आवाज लगा, बेटा रोहितास उठ करके खड़ा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा से वरदान मांगो तो महाराज बोले साई तना दीजिए कुटुंब समाई और बीवी भूखो नहीं कोई संतन भूखो न तो हम भूखे रहे महाराज, और जो द्वारे भूखो आ जाता है खाना मिल रहे और प्रभु का चुनाए चाहिए। रानी से की ठकुरानी तुम मांगो तो रानी बोली अरे हम जब जब धर की देहरे का जग में बाबा आऊं तो हमें जय पिया मिले और जय लला।
बोले ठीक है एक वरदान अब क्या चाहिए। देखो अबे तो सतयुग में तुमने हमारी ऐसी परीक्षा लाई अच्छी बात है, आगे कलयुग वायर हो तो बाबा जी हमारे जैसी परीक्षा कलयुग में काऊ की मती लियो ना, तुम्हारे कोई छोटा चिमटा सवरे छिना लिए दाढ़ी में आगी दे दिए प्रदान दे दिया नाम पड़ा सत्यवादी दानवी राजा हरिश्चंद्र बोलिए गोविंद भगवान की। समय समाप्त हुआ, कल कथा का पांचवा दिन है, भगवान कन्हैया मथुरा कारागार में अवतार लेकर के आएंगे तो माताएं बहने टोपी बतासा लाना चाहे तो ले आए, कल भगवान की बधाई पड़ेगी, कथा सुनेंगे भी और देखेंगे भी, और बाकी रात्रि का कार्यक्रम तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं, इनसे जाओ आरती करके कल ले खा ले फिर आए ले। हाँ 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है और हम 11 बजे बंद कर देते हैं, तो रात्रि में रासलीला होगी, बड़ा ही आनंद आपको आएगा।